क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ोगे जिसका नहीं हुआ। क्या बोला है? अ मैन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम। जब भी कभी इनकम का बात आ जाए तो दो बात याद रखोगे, अगर तुम्हारी इनकम हो रही है तो क्या होगा, कुछ एक्सपेंस भी करोगे, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हो, और उसके बाद कुछ तुम्हारी क्या होगी, सेविंग होगी। तो जितना तुम कमा रहे हो, मान लो 100 रुपए तुम कमाते हो, 20 रुपए तुमने खर्च किए, तो तुम्हारी सेविंग कितनी होगी, 80 होगी। चल बस इतना सा बात याद रखना, बाकी कोई जरूरत नहीं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो, क्या होता है 3/4। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि 4 का 75% 3। अगर हमारी इनकम बताया था कि ये टोटल वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे इसको क्या मान कर रखेंगे, इनकम। अगर हमारी इनकम क्या है, 4 है, तो 4 का 75% क्या हो गया, 3। यहाँ पे क्या बोले, स्पेंड्स, तो 4 का 75% 3 खर्च कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 4 तुम्हारी इनकम थी, उसमें से 3 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने हैं, 1। कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए अभी हम इस पे 2-2 जीरो लगा रहे हैं, कोई दिक्कत, 4 रुपए कमा रहे थे, अब 400 कमाते हैं, तो 400 में से 300 खर्च किया, तो बच गए कितने, 100। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, 10% बढ़ जाए। अब एक बात बताओ कि अगर 400 का 20% कितना होगा, 400 का 20% कितना, 80। तो 400 का 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 480। और इसके और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 10%, 330। 300 का 10% 30, तो ये कितना हो गया, 330। 480 कमा रहे थे, अब 330 खर्च कर रहे हैं, हमारी सेविंग कितनी बच गई, 150। तो 100 से बढ़कर कितना, कितने का इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, कितने का, 50 का, तो कितने पे, 50 का इंक्रीमेंट कितने पे हुआ, 100 पे, पहले 100 ही था, 100 ही थी ना, अभी कितनी हुई, 150, तो कितने का इंक्रीमेंट, 50 का, तो 50 बटा 100 गुना